भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो करो या मरो का मुकाबला है, यानी वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल खेला जाने वाला है, वो बस चंद घंटे दूर है। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों टीमों की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, कौन सी टीम किसके ऊपर आज के मुकाबले में भारी पड़ सकती है और कौन सी टीम ऑन द पेपर काफी मजबूत दिख रही है दूसरी टीम की अपेक्षा। और सबसे खास बात हम लोग देखने वाले हैं कि आज के मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है, यानी पिच बल्लेबाजों की मुफीद होगी या फिर यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला होगा। सब कुछ अब इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे और परखने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो करो या मरो का मुकाबला है किसके नाम हो सकता है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ इस मुकाबले के बारे में पिच रिपोर्ट समेत ताकत और कमजोरी का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज के मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या है। अगर हम बात करें पिच की और स्टेडियम की, तो आज का मुकाबला सबसे प्रसिद्ध भारतीय ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मुंबई की वानखेड़े पिच है जहां पर साल 2011 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था इसी मैदान पर। और आज इस नॉकआउट मुकाबले में, यानी करो या मरो के मुकाबले में, सेमीफाइनल में ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर खेलते हुए दिखेंगे। तो अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको पता है कि यहां पर बल्लेबाजों की पिच होने वाली है, खूब सारे रन बनने वाले हैं और यहां पर पहले बैटिंग करते हुए इस पिच पर 350 प्लस का एवरेज स्कोर है। वहीं सेकंड बल्लेबाजी करते हुए अगर हम बात करें तो वो 200 से भी कम का है। तो यही सवाल रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित ने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया कि देखिए आप 3-4 मैचों से वानखेड़े पिच के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पर यह पिच जैसे पहले पारी में बिहेव करती है वैसा ही दूसरे पारी में करती है। यहां पर रोहित ने कहा कि वो पले बढ़े हैं खेलते हुए, तो वो वानखेड़े पिच को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, परखते हैं और यहां पर टॉस का बहुत रोल नहीं होने वाला है, यानी टॉस फैक्टर भी उतना प्ले नहीं करेगा। आप जैसा यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, अपने आप को जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टॉस यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच होगी और जो हिट द डेक तेज गेंदबाज है उनके लिए मदद होगा, स्पिनरों के लिए ना के बराबर मदद होगा। सेकेंड इनिंग में स्पिनर जरूर एक्ट में आ सकते हैं, वो इसलिए कि हाई स्कोरिंग मैच हो गया, पहले पारी में 350 या 400 का स्कोर बन गया तो फिर सेकेंड इनिंग के स्पिनर बिकॉज ऑफ द रन स्कोर बोर्ड प्रेशर वो विकेट लेकर जाते हैं। तो ये तो पूरी पिच रिपोर्ट रही, उसके बारे में हमने देखा कि यहां पर क्या कुछ होता है। आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 291 रन बनाया हुआ है, फिर इंडिया ने 357, साउथ अफ्रीका ने 382, 399 सेकेंड इनिंग का देखेंगे 170, 233, 55, 293। तो सेकेंड इनिंग का यहां पर एवरेज स्कोर जरूर कम है, लेकिन रोहित का मानना है कि ये सब सिर्फ छलावा है। यहां पर जैसा पिच पहले पारी में बिहेव करती है वैसा ही दूसरे पारी में भी बर्ताव करती हुई दिखती है। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की ताकत के बारे में, मतलब दोनों टीमों की ताकत देख लेते हैं, स्ट्रेंथ क्या है इस मुकाबले के लिए, उनकी कमजोरी क्या है, यानी किस कमजोरी पर घात करेगी अपोजिशन, न्यूजीलैंड भारतीय टीम के किस कमजोरी पर घात कर सकती है, भारत न्यूजीलैंड के किस कमजोरी पर घात करेगी, उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारतीय टीम की ताकत की बात करें तो यहां पर लीग फेज में सारे के सारे मुकाबले यहां पर भारतीय टीम जीत कर आई है, कॉन्फिडेंट है, हर एक एंगल इनका कवर हुआ है। चाहे अगर हम बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो वो भी लीग फेज में उन्होंने जीत अर्जित की है, वहां पर भी चेज करते हुए भी वहां पे जीत अर्जित हुई है। तो कोई भी ऐसा फेज नहीं है, कोई भी ऐसी कमजोरी सामने नहीं आ रही है जो जहां पर अटैक करेगी न्यूजीलैंड। तो भारतीय टीम हर एक मुकाबला जीत कर आई है और वो कॉन्फिडेंट है। अगर हम बात करें दूसरे उनके स्ट्रेंथ की, तो भारतीय टीम बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत दिख रही है इस वर्ल्ड कप में। अगर आप गिल को छोड़ दें तो टॉप 5 में सभी शतक लगा चुके हैं। वहां पर आप श्रेयस अय्यर का नाम देखेंगे शतक वीर में, फिर उसके बाद केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में शतक लगाया, उनके अलावा कोहली के नाम भी शतक है इस वर्ल्ड कप में और रोहित ने भी एक शतक लगा चुका है। तो ये जो भारतीय टीम की बैटिंग है वो बहुत ही क्वालिटी बैटिंग है और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आया है।
अगर हम बात करें तीसरे स्ट्रेंथ की तो भारतीय कप्तान रोहित की बेहतरीन रही है कप्तानी, यानी कप्तानी वाइज भी रोहित ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत बतौर लीडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक मार्गदर्शक के रूप में भारतीय टीम को उन्होंने इस वर्ल्ड कप में मतलब वहां पे मार्ग दिखाया है कि इस तरीके से आपको खेलना है, बल्लेबाजी में उन्होंने दिखाया है कि ये टेम्पलेट सेट करके आपको इसी तरह इस टेम्पलेट में आगे बढ़ना है, वहीं फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेज भी उन्होंने बखूबी इस वर्ल्ड कप में किया हुआ है। अगर हम बात करें चौथे स्ट्रेंथ की तो भारतीय तेज गेंदबाजों की जबरदस्त रही है गेंदबाजी, खासकर समी और बुमराह बहुत ही बेहतरीन दिखे हैं और बहुत ही लीडर पेस अटैक भारतीय टीम का जो दिख रहा है, शमी बुमराह और सिराज का तीनों ही काफी घातक दिख रहे हैं और विपक्षी टीम पर अभी तक ये काफी सफल हुए हैं, विपक्षी बल्लेबाजों को डराने में धमकाने में ये तीनों गेंदबाज अभी इस वर्ल्ड कप में सफल रहे हैं। अगर हम भारतीय टीम के पांचवें स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में खूब सारे विकेट निकाले और जो उनका टेम्परामेंट है वो भारतीय टीम को बहुत ही इस वर्ल्ड कप में रास आया, यानी पिटने के बाद वो लाइन लेंथ अपना नहीं खोते हैं, बल्कि जब उनको दूसरे स्पेल में लाया जाता है तो और वो अच्छे तरीके से सामने आते हैं, विकेट निकाल कर देते हैं और हर मैच में उन्होंने करके दिखाया हुआ है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर उनको रडार पे लिया गया था, खूब सारे रन बने थे उनके पहले स्पेल में, लेकिन दूसरे स्पेल में उन्होंने जबरदस्त भारतीय टीम की वापसी कराई थी और दो विकेट निकाल कर दिए थे। तो कुलदीप यादव जिस हिसाब से मिडिल ओवर्स में विकेट ले रहे हैं ये भारतीय टीम की इस वर्ल्ड कप में कह सकते हैं एक खासियत है और उन्होंने खास प्रदर्शन दिया है और कुलदीप यादव के ही प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम के ऊपर हावी होती हुई दिखी हुई है। अगर हम बात करें भारतीय टीम की कमजोरी, यानी कि किन किन क्षेत्रों में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड परेशान कर सकता है, घात कर सकता है और इस वर्ल्ड कप का जो सुनहरा कैंपेन है उनका वो खत्म कर सकता है, तो अगर हम बात करें पहली कमजोरी की तो पिछले चार विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले अगर आप उठाकर देखेंगे, चाहे दो T20 वर्ल्ड कप उठा लीजिए, उससे पहले 2015 और 2019 का आप वर्ल्ड कप उठा कर देख लीजिए, ODI वर्ल्ड कप, भारतीय टीम ने लगभग सभी मुकाबले जीते हुए सिर्फ नॉकआउट मुकाबले, यानी कि 2015 के सेमीफाइनल से वो बाहर हो गए, 2019 के सेमीफाइनल से बाहर हो गए, यानी कि जब डू और डाई इनकाउंटर आता है वहां पर भारतीय टीम फेल होती हुई दिखती है। लीग फेज का जो प्रदर्शन है वो सेमीफाइनल में रिपीट नहीं कर पाते हैं और मतलब प्रेशर के सिचुएशन में वो क्रम्बल्ड डाउन होते हैं, ढहते हुए दिखते हैं और यही भारतीय टीम की कमजोरी है, इससे उनको पार पाना है। अगर हम बात करें दूसरे भारतीय टीम की कमजोरी की तो उनका जो छठा गेंदबाजी विकल्प है वो मौजूद नहीं, हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं जिस कारण इस कमी का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक ये कमी उभर कर सामने नहीं आई है, हालांकि मस्ट विन इनकाउंटर में ये कमी उभर कर सामने आ सकती है और न्यूजीलैंड इसका फायदा उठा सकती है। तीसरी कमजोरी की बात करें तो बोल्ट के आगे अगर हम हेड टू हेड या मैचअप्स कह लें, जिसको बोल्ट के आगे अगर हम मैचअप्स उठाकर देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा का, तो वो खास नहीं है, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं और ये बोल्ट परेशान कर सकते हैं शुरुआती ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को। सेंटनर भी मिडिल ओवर्स में भारतीय टीम के लिए काल साबित हो सकते हैं, 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और बहुत ही बिलो पार स्कोर डिफेंड करके दिखाया था, जिसमें सेंटनर का बहुत बड़ा रोल रहा था। सेंटनर कोहली को भी खूब परेशान करते हैं, रोहित को भी खूब परेशान करते हैं, जिस कारण ये काफी घातक साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए मिडिल ओवर्स में, ये भारतीय टीम की कमजोरियां थी। अगर हम कीवी टीम की ताकत की बात करें, जो उनका स्ट्रेंथ है, तो वहां पर जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं, कोई भी छेड़छाड़ अपने डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हैं, यही उनकी खासियत रहती है, जिस कारण ये काफी ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं नॉकआउट मुकाबलों में या फिर कहें वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर। दबाव की स्थिति में इनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनके खिलाड़ी अपना रोल निभाते हुए दिखते हैं। वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो 2003 से अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला हारे हुए हैं भारतीय टीम से, वो भी इसी वर्ल्ड कप में लीग फेज में, तो ये इनके साथ प्लस पॉइंट रहेगा कि ये वर्ल्ड कप में 2003 से भारतीय टीम के ऊपर हावी रहे हैं और भारतीय टीम को नॉकआउट मुकाबलों में खासकर ये बाहर करते हुए दिखे, तो ये इनका स्ट्रेंथ रहेगा, ये इनका कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर हम चौथे स्ट्रेंथ की बात करें तो बल्लेबाजी में विलियमसन, कानवे, मिसेल, रचिन रविंद्र और लैथम के रूप में इनके पास अच्छे स्पिन के बल्लेबाज हैं, मतलब जो स्पिन को बेहतरीन तरीके से इनकाउंटर कर सकते हैं, यानी कुलदीप और रविंद्र जडेजा के का जो एक्स फैक्टर है भारतीय टीम को, उसको ये नेगोशिएट कर सकते हैं और अच्छी मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पांचवें स्ट्रेंथ की तो बोल्ट
बोल्ड सेंटर और सऊदी के रूप में वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मौजूद हैं, जो ऐसे नॉकआउट मुकाबले बहुत सारे खेले हुए हैं, बेहतरीन प्रदर्शन भी दिया हुआ है। तो जो दबाव होगा इनके ऊपर उसको सोक करने की वो क्षमता रखते हैं। ये जो इनके टीवी टीम है, इनकी ताकत है, इनका स्ट्रेंथ है, और इसी के ऊपर ये आज का मुकाबला खेलने वाले हैं। अगर हम बात करें कीवी टीम की कमजोरियों के बारे में कि भारतीय टीम कहां पर इनके ऊपर घात करेगी, कहां पर ये भारतीय टीम से ऑन द पेपर पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अगर बात किया जाए तो पहला, पिच हीटर इनके पास उतने मौजूद नहीं है कि वानखेड़े की जो पिच है वहां पर पिच हीटर की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि 15 गेंदों पे 30 गेंदों पे बहुत सारे रन, 80 रन 90 रन बनाकर आपको दे दें, जो भारतीय टीम के पास सूर्य कुमार यादव रविंद्र जडेजा के रूप में मौजूद है। लेकिन इनके पास वो अभी स्किल सेट नहीं है, वो अभी ऐसे बल्लेबाज मौजूद नहीं है जो 15 या 20 गेंदों पे पूरे मैच का मोमेंटम शिफ्ट कर दें। वहीं अगर हम बात करें दूसरे इनके कमजोरी के बारे में, तो स्विंग न मौजूद रहने के कारण, जो हमने देखा कि स्ट्रेंथ में बोल्ट और साउदीन की स्ट्रेंथ है, लेकिन यहां पे वानखेड़े के पिच पे उतना स्विंग नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये दोनों गेंदबाज अगर इनइफेक्टिव साबित हो जाएंगे तो फिर वहां पर बाकी गेंदबाजों के पास उतना अनुभव नहीं है, फिर वहां पर भारतीय टीम घात कर सकती है। अगर हम बात करें तीसरे इनके स्ट्रेंथ की, तो कॉनवे का जो फॉर्म है वो कॉज ऑफ कंसर्न है, यानी टॉप ऑर्डर में बतौर ओपनर कॉनवे इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए दिखे, और यहां पर भारतीय टीम जरूर इस कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करेगी। चौथे अगर हम इनके कमजोरी की बात करें, तो मैच विनर खिलाड़ियों की बहुत है कमी। भारतीय टीम में मैच विनर खिलाड़ी देखेंगे तो उसका अंबार रोहित मिल जाएंगे, कोहली मिल जाएंगे, अय्यर राहुल, ये सब मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो मैच अपने दम पर जिताकर किसी भी लम्हे से लेकर जा सकते हैं भारतीय टीम के पक्ष में। लेकिन यहां पर विलियमसन को छोड़ दें तो उतने मैच विनर खिलाड़ी नहीं मौजूद हैं। कॉनवे एक मैच विनर खिलाड़ी है लेकिन उनका फॉर्म नहीं है, तो मैच विनर खिलाड़ियों की कमी है। विलियमसन का टिकना इस क्रीज पर कल आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर विलियमसन ना टिके तो फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें पांचवें इनकी कमी की, तो जेन्युइन इनका पांचवां गेंदबाज नहीं मौजूद है, यानी पार्ट टाइमर्स के रूप में ये पांचवें गेंदबाज को खिलाएंगे, वहां पर भारतीय टीम घात करेगी। इनकी जो बड़ी कमजोरी है उसका फायदा उठाने का भारतीय टीम यहां पे प्रयत्न करेगी। तो ये न्यूजीलैंड टीम की कमजोरी रही। हमने भारतीय टीम की भी ताकत देखा, भारतीय टीम की कमजोरी देखी, पिच रिपोर्ट समझने का प्रयास किया। तो इस मुकाबले में ऑन द पेपर अगर हम बात करें तो भारतीय टीम वे अहेड है न्यूजीलैंड के मुकाबले। लेकिन जो न्यूजीलैंड टीम की खासियत है कि प्रेशर सिचुएशन में मोर देन 100% देने का, वो उनको भारतीय टीम के मुकाबले लाकर खड़ा करती है। एक अच्छा कंटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऑन द पेपर बात करें तो भारतीय टीम कहीं ही ज्यादा न्यूजीलैंड से आगे है क्षमताओं में, मैच विनर खिलाड़ियों के रूप में, परफॉर्मेंस में, करंट फॉर्म में, हर चीज में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से आगे है। लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या भारतीय टीम के लिए है कि प्रेशर सिचुएशन में क्रम्बल डाउन हो जाते हैं, वहीं प्रेशर सिचुएशन में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन निखर कर आता है, उभर कर आता है, जिस कारण ये क्लोज कंटेस्ट होने वाला, एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला। और दोनों टीमों का अगर हम जीत की प्रतिशत की बात करें तो बराबरी का मुकाबला है, 50-50% मुकाबला है। यहां पे ना कोई कह सकते हैं फेवरेट है, ना ही कोई पहले से ही हार अंडरडॉग्स है, दोनों ही बराबर समान टीमें, और एक दिलचस्प सेमीफाइनल हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।